हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फैब्रियानो के अकेडमिया ड्राइंग पेपर का, जो कि ये है। आपने देखा भी होगा, काफ़ी प्रोफेशनल आर्टिस्ट को यूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास है 120 GSM वाला, जो कि मैंने दिल्ली से बाय किया था, लाजपत नगर सीताराम स्टेशनरी से। मेरे को 3-4 महीने हो गए इसको बाय किए हुए। मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरे को लेना था 200 GSM, बट मैंने ले लिया 120 GSM। तो काफ़ी ज़्यादा पतला आता है, तो इसीलिए मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि कमीशन वर्क्स में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा ये। तो कमीशन वर्क्स में अगर मैं 120 GSM पेपर यूज़ करूँगा तो सही नहीं रहेगा, काफ़ी पतला हो जाएगा। और रिसेंटली मैंने एक पोर्ट्रेट भी ड्रॉ किया इस पेपर पे, A3 साइज़ का, जो कि आपको कैस कर सकते हो आप कौन सा, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो देखते हैं कैसा पेपर है, काफ़ी आर्टिस्ट यूज़ करते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, और बताते हैं काफ़ी अच्छा पेपर है। तो लेट्स सी। सो गाइस, ये कुछ इस तरह का कवर है इसका, अकेडमिया फैब्रियानो। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रेफाइट पेंसिल चारकोल, और 120 GSM है ये, और इसके अंदर 50 शीट्स हैं और एसिड फ्री है। तो आपने देखा होगा वैसे काफ़ी प्रोफेशनल आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं, और बैक साइड में तो खाली है। यहाँ पे कुछ ड्रॉ करेंगे आने वाली वीडियोस में, ग्रेफाइट का यूज़ करके इसको कस्टम बनाएंगे, इसके अंदर कुछ कुछ ड्रॉ करेंगे, कंप्लीट इसको भर देंगे। तो देख लो कुछ इस तरह का है, 50 शीट्स हैं इसके अंदर, 120 GSM है, तो ज़्यादा मोटा नहीं है। तो थिकनेस देख लो कैसी है, ज़्यादा मोटा नहीं है, इस टाइप का है कुछ। इसका टेक्स्चर काफ़ी ज़्यादा रफ है, मैंने इस पर एक ड्रॉइंग बनाई है, जो कि उसी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 200 GSM में भी आता है सेम यही पेपर, उसमें थोड़ी शीट्स कम होती हैं, इसमें 50 हैं उसमें कम होती है, बट टेक्स्चर सेम रहता है दोनों का। सो गाइस, जो ये वाली ड्राइंग है मैंने रिसेंटली बनाई है, वो मैंने इसी पेपर पे बनाई है, 120 GSM पे। तो देख लो काफ़ी पतला पेपर है ये, मेरे को ट्राई करना था किस तरह का पेपर है, तो मैंने ये ड्राइंग बनाई इस पे, तो कुछ ऐसा ड्रॉ हो पाया है। मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ कैसा टेक्स्चर है पेपर का। अगर मैं टेक्स्चर की बात करूँ, टेक्स्चर बहुत ही ज़्यादा रफ है, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं। तो इस पे मैंने ये ड्राइंग बनाई थी, बट शेड और ब्लेंड काफ़ी अच्छे से हो पा रहा है। ओनली ग्रेफाइट से ही आप काफ़ी डार्क वैल्यूज ऑप्ट कर सकते हैं इस पेपर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ है। और इस पर मैंने कमीशन वर्क भी किया है, जो कि आज ही कंप्लीट हुआ है। तो पेपर बहुत ज़्यादा रफ है, तो इसमें आप ज़्यादा स्मूथ शेडिंग नहीं कर सकते, ज़्यादा स्मूथ ब्लेंड नहीं कर सकते, जैसे कि आप फेस पे देख सकते हैं, आपको ज़्यादा स्मूथ नहीं दिख रहा होगा टेक्स्चर। बट अगर ओल्ड मैन बनाना, जैसे मैंने बनाया था हाइपर रियलिस्टिक बनाना, अगर इस टाइप की कोई स्केचेज बनाने हैं, तो ये टेक्स्चर काफ़ी बढ़िया लगता है रफ़ क्योंकि ओल्ड मैन का जो फेस होता है वो रफ टाइप का ही होता है जो फेस पे टेक्स्चर, तो ये थोड़ा सही लगता है, नेचुरल जैसा लगता है। बट इस पेपर पे बिल्कुल ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्लोथ में किया, यहाँ पे टिश्यू का यूज़ किया ब्लेंड करने के लिए। मैंने A3 को कट कर लिया था, A4 बना लिया था, उस पर मैंने एक कमीशन वर्क बनाया, तो अभी आधा बाकी है, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, इस पर शेड करके दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। सो ये है आधा बचा हुआ A4 साइज़, कुछ इस तरह का टेक्स्चर है, देख लो। मैं इस पर शेड भी करके दिखा देता हूँ आपको कैसा लग रहा है। 4H पेंसिल का यूज़ करूँ, जो कि काफ़ी लाइट होती है। रफ़ पेपर पे गाइस लाइट पेंसिल का ही यूज़ करना पड़ता है, अगर आपको बिल्कुल स्मूथ रिजल्ट चाहिए तो 4H, 5H, 6H। आप सीधा HB2B से नहीं कर सकते, सीधा HB से 2B से करोगे तो एकदम से डार्क हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कि अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 3B पेंसिल, तो 3B से अगर मैं शेड करूँगा तो एकदम से डार्क हो जाएगा, और 6B से और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इस पेपर पे आपको ज़्यादा डार्क पेंसिल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10B 8B की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 6B से ही काफ़ी डार्क वैल्यूज को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर ही रफ़ है, पेपर में टूथ है, तो सारा अपने अंदर ऑप्ट कर लेगा और एकदम से डार्क आप कर सकते हैं। और ब्लेंड भी बहुत ज़्यादा स्मूथली हो पा रहा है इस पेपर पे, बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो पा रहा है। देखो गाइस कितने अच्छे से ब्लेंड हो पा रहा है ओनली एक ब्रश का यूज़ करके, और इस पर हाईलाइट्स भी बहुत अच्छे से हो पा रहे हैं, ये देखो, नीडल रेजर का यूज़ करके काफ़ी अच्छे से हाईलाइट्स हो पा रहे हैं। मैंने हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाई थी, उसमें इसी मेथड का यूज़ किया था, जो भी फेस पे मैंने स्किन टेक्सचर बनाया। तो इस पेपर पे आप चाहे लाइट टू डार्क अच्छे से शेड कर लो, आपको ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देख लो रिजल्ट्स तो कुछ ऐसी तरह के मिलेंगे आपको, फेस पे थोड़ा रफ रफ इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर थोड़ा ज़्यादा रफ है, बट ये इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी प्रोफेशनल आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं इस पेपर को, और इसी तरह से ड्रॉ करते हैं बिल्कुल रफ रफ। अदरवाइज स्केच को भी अगर आप थोड़ा दूर से देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, अभी DSLR में तो वैसे भी काफ़ी रफ लगता है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा है, रफ है, बट अगर आपको बाय करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 200 GSM वाला ही बाय करना, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पर आप बाय करोगे, कमीशन वर्क के लिए बाय करोगे, बिगिनर हो तो बिल्कुल ही बाय मत करना, बिगिनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि 800-900 rupees का प्राइस है। तो जो कमीशन वर्क्स करते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, उनके लिए पेपर काफ़ी अच्छा है, तो आप 200 GSM वाला बाय कर सकते हैं। मेरे से गलती हो गई थी, 120 GSM वाला ले लिया मैंने, बट गाइस थोड़ा ज़्यादा रफ है जो मैंने ये ड्राइंग बनाई है इस पर। अगर मुझे इस टाइप की अगर कोई और ड्राइंग बनानी पड़ जाए A3 साइज़ पे,
जिसमें कुछ इसी टाइप का टेक्सचर हो फेस पे, तो मैं इस पेपर का यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज तो नहीं करूँगा, क्योंकि कमीशन वर्क्स में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो क्लाइंट होते हैं ना उनको स्मूथ चाहिए फेस का टेक्सचर, बिल्कुल स्मूथ सा चाहिए, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती ना फेस के बारे में, फेस के टेक्सचर के बारे में, थोड़ा सा भी डार्क सा लग दो तो कहते हैं क्या कर दिया है, डार्क सा रफ रफ सा लग रहा है, उनको स्मूथ चाहिए, तो इसलिए मैं मीडियम सरफेस का यूज़ करता हूँ। मीडियम सरफेस के लिए मेरे पास तीन पेपर हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। एक तो मेरे पास आर्टो का है, ये मीडियम सरफेस है, इस पर काफ़ी स्मूथ आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं, जो आर्टो का ये वाला 180 जैसे में ये, और एक ये है डर्वेंट का, जो कि ये तो मेरा फेवरेट हो गया था बट क्या करें, अभी रिसेंटली इसके सारे पेजेस मैंने ख़त्म कर दिए हैं, ओनली एक ही मंथ में सारे पेजेस, एक बाकी है जो कि मैंने टेस्टिंग के लिए यूज़ किया था ये वाला, इस पर कलर पेंसिल भी काफ़ी अच्छे से यूज़ हो पा रही थी। ये मैंने दिल्ली से लिया था, लाजपत नगर से, अगर मैं जाऊँगा दोबारा तो ले लूँगा। 30 शीट्स है, 165 जैसे में, और टेक्स्चर बहुत मस्त है। और नेक्स्ट है स्टैथमोर का ब्रिस्टल विलियम सरफेस पेपर, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, 20 शीट्स आती है इसकी 600 रुपीज़ की, तो ये भी मीडियम सरफेस है, काफ़ी बढ़िया है, इसमें आप स्मूथ ब्लेंडिंग कर सकते हैं। और ये 270 जीएसएम एसिड फ्री है, और काफ़ी बढ़िया पेपर है, इसको भी यूज़ करता हूँ मैं कभी कभी अपने कमीशन वर्क्स में, डेली तो नहीं करता हूँ क्योंकि आपको पता है मैं डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स एक्सपेरिमेंट करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स को डेली यूज़ करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही पेपर को यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग में। आपने देखा होगा किसी ड्राइंग में कोई ज़्यादा रफ लगती है, कोई ज़्यादा स्मूथ लगती है, कमीशन वर्क्स के लिए एसिड फ्री पेपर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ ख़राब नहीं होता, येलो नहीं होता, हमारी ड्राइंग काफ़ी सही रहती है। तो हाँ गाइस, पेपर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप कमीशन वर्क करने जाते हैं तो आपके लिए पेपर काफ़ी सही रहेगा, अदरवाइज़ आर्टो ले सकते हैं, स्टैथमोर ले सकते हैं, बट लेना एसिड फ्री ही, क्योंकि अगर आप कमीशन वर्क कर रहे हो और अर्निंग कर रहे हो तो आपको क्लाइंट को भी अच्छा देना चाहिए। सो गाइज, आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह से मैं और पेपर्स की और मटेरियल्स का रिव्यू बनाता रहूंगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।